फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अभियान शुरू किया गया, जिस अभियान का नाम फाइट अगेंस्ट करप्शन रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विजिलेंस विभाग के DG सील मधुर मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान फरीदाबाद में लोगों की मदद करने वाले और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। ये जागरूकता अभियान और जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम था, और इसके खिलाफ जो है एक लोगों के अंदर अच्छे विचार आए, मन में उनके अंदर अच्छा विचार आए और वो बुराई की तरफ न जाएं, अच्छाई की तरफ जाएं, तो ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए यहाँ पर जो ये शिविर लगाया गया था इसमें मैं आया था। ये जो है जिस प्रकार से मेडिटेशन से आदमी के मन की स्वच्छता भी आती है और साथ में उसको अंदर शक्ति भी आती है, तो इस प्रकार से इस तरह की जो भी संस्थाएं जो लोग योग और मेडिटेशन करते हैं और करवाते हैं उन लोगों के माध्यम से ये कार्य आसान हो जाता है, लोगों में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, तो अगर दोनों मिला जुला कार्यक्रम होता है तो बहुत अच्छा होता है। फाइट अगेंस्ट करप्शन का जो कार्यक्रम था वो दो भागों में था। पहला भाग था हम लोग एक सेमिनार एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है क्लीन द माइंड और ग्रीन द अर्थ, जो कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी में सिस्टर हैं वो करेंगी अभी। और दूसरा उसका भाग था कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का ये प्रोग्राम था। अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं, एक हमारे पास एक बुज़ुर्ग लेडी गरीब लेडी का एक केस था जो 384 सेक्टर 29 का केस था। उसके ऊपर उनके साथ एक नाजायज़ कब्ज़ा हुआ, कुछ गांव के लड़कों ने किया, उनके साथ मार पिटाई हुई, उसके ऊपर FIR हुई, उसके लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। FIR के बावजूद उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सेक्शन लगे बट सेक्शंस कैसे डिसॉल्व हो गए, नॉन बेलेबल वारंट थे तो उनके ऊपर बड़ा इजीली सेम डे पे बेल हो गई। तो इस सब के पीछे हमें कुछ तो गड़बड़ नज़र आ रही है जिसकी हम पूरी जाँच करवाना चाहेंगे। काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन अपने अपने तरीके से और अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। अब हम इसे एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, सभी जो डेडिकेटेड लोग हैं। और बेसिकली हमारा करप्शन का मतलब है, करप्शन जहाँ भी होता है, किसी का भी हक मरता है वो करप्शन होता है। वो किसी का मतलब कि एक दूसरे की लड़ाई भी हो सकती है, अगर उसमें अगर किसी को कोई नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो भी करप्शन है। सीधा ये नहीं है गवर्नमेंट वाले ही करप्शन करते हैं, करप्शन तो हर जगह है और हर जगह की हम एक दृढ़ संकल्प के साथ हम सारे इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर जगह से करप्शन खत्म हो, चाहे वो परिवार के अंदरूनी करप्शन क्यों ना हो। नहीं देखिए एक मतलब कि फरीदाबाद एक तरह से आप ये देखिए कि मतलब ये सेंटर ऑफ वर्ल्ड माना जाता है इंडिया की, मतलब राजधानी का NCR है। उसके बाद भी यहाँ पे क्या करें, 5-6 बदमाश घुस के घर के अंदर एक लेडीज़ को जो कि 60 साल की है उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, उसे सामान बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब ये क्या है, ये कोई गुंडा राज है कहीं पे। उसके बाद वो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती और हमने किस किस तरह धक्के कहाँ कहाँ हम नहीं गए और हमने ये वुमेन आयोग महिला आयोग की भी हमने मदद ली और बहुत मतलब कि कोशिशों के बाद अब जाके हम ये FIR दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी इवन कोर्ट्स में नेक्स्ट डे ही उसकी उसी दिन एट द स्पॉट जमानत होगी, जिसमें 354B सेक्शन लगा हुआ था जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके बाद भी उसकी जमानत हैंड टू हैंड एक्सेप्ट कर ली गई। तो हमारे प्रयास है कि देखिए मेरा जो प्रयास है या हमारा मतलब नो मर्सी, अगर कोई करप्शन पकड़ा जाता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं किसी भी तरह से। अभी हमने ITO को भी एक ITO फरीदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो खुद दूसरों की चोरी पकड़ता है उसको खुद ही पकड़वाया, हमने रेड एंड करवाया और आपके देवेंद्र जी ने भी हमारी बहुत मदद करी उसमें, CBI से छापा पड़वाया उन पर, क्योंकि स्टेट विजिलेंस भी लोकल लेवल पे, शील मधुर जी तो एक डेड ऑनेस्ट मैं कह सकता हूँ हैं वो, इसीलिए हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया। एक DGP होने के नाते के मतलब बहुत बड़े इंसान भी हैं और उनके अंदर भी इंसानियत बाकी है, इसलिए हमने बुलाया था और हमारी मदद की उन्होंने। और आगे हम बस यही है एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए हम सबको, और हमसे कोई भी संपर्क कर सकता है और हमारा है कि विद इन हाफ एन आवर हम सर्विस देंगे। ऐसा है कि हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इस भ्रष्टाचार का मेन जो कारण है उसका निवारण करना सिखाता है। दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे धन की करप्शन है, चाहे अपने कार्य को ना करने की अथवा उससे जी चुराने की करप्शन है, ये इसको या और भी कई प्रकार की जो भी करप्शन है नेकानेक,
उनका जो मेन कारण है हमारे इस विद्यालय की आध्यात्मिकता की शिक्षा के अनुकूल, वो है हमारे मन के अंदर है। हमारे मन के अंदर ही करप्शन है, हमारे मन में ही लोभ है, हमारे मन के अंदर ही अलबेलापन है जो हम जी चुराते हैं। तो यहाँ इस ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग सिखाते हैं उससे अपने मानसिक प्रदूषण को हम ख़त्म कर पाते। जिस मानसिक प्रदूषण को ख़त्म करने से क्या कहें, हमारा बाहुनी प्रदूषण ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। जैसे हम देखो चश्मा लाल पहन लेते हैं तो हमें सब लाल ही दिखाई देता है, काला पहनते सब काला ही दिखाई देता है। जब अपने मन को शुद्ध बना लेते, उसकी बुराइयों को ख़त्म कर देते, उसको हम अपने आप को श्रेष्ठाचारी बना लेते, तो हमारा भ्रष्ट आचरण बाहर का ख़त्म हो जाता और दूसरों को भी हम उन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं से देखते अथवा उनको भी अपने अनुभव के आधार से उस भ्रष्ट आचरण से छुड़ाने का अथवा मेडिटेशन सिखाने का प्रयास करते।